ये देखिए काफी पुराना ग्लेशियर आधा मेल्ट होके उधर है अभी ना। जस्ट ग्लेशियर को देखने से पहले पूरा दिख रहा था, लेकिन जैसे मैं कैमरा खोला बादल आ गए और लिटरली हम लोग अभी ना ऐसे बादल के बीच में ड्राइव कर रहे हैं। हम लोग देखो 40-45 में कुछ दिन पहले ड्राइव कर रहे थे, अभी 11 डिग्री। तो उत्तराखंड सफरनामा का और एक सीरीज में आप लोगों का स्वागत है। माय नेम इज संदीप एंड यू आर वाचिंग वंडरलॉस्ट ऑन व्हील। तो पिछले ब्लॉग में बद्री विशाल जी का भव्य दर्शन करने के बाद इंडिया का जो सबसे लास्ट वाला विलेज है माणा की ओर जा रहे हैं। माणा के बाद पब्लिक व्हीकल्स आर नॉट अलाउड, क्योंकि वहां से आगे आ जाता है इंडो तिब्बत या फिर जो चाइना बॉर्डर है, मेनली है इंडो तिब्बत, चाइना ऑक्यूपाइड तिब्बत बॉर्डर है। और उससे आगे आप चढ़ोगे, मतलब मेरी गाड़ी तो नहीं जाएगी, उसके लिए स्पेशल बाइक या फिर 4x4 गाड़ी ही जाती है। आगे चलने पर मिलेगा माणा पास, जो कि खारदुंगला से भी ज्यादा हाइट पर है। फिलहाल तो हम यहाँ पे थोड़ा रुक गए हैं नेचर को अच्छे से एंजॉय करने के लिए, क्योंकि कहाँ हमें डेली डेली ये सब चीजें देखने को मिलता है। वो देखिए सामने अलकनंदा रिवर बहती हुई, और अचानक से क्लाइमेट पूरा चेंज हो गया। सुबह धूप था, अभी ये देखिए बादल 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 और हल्का हल्का बारिश हो रही है, और अच्छा खासा ठंड भी बढ़ गया है कंपेयर टू ऋषिकेश। तो बद्रीनाथ से थोड़ा आगे आने पर आपको ये बोर्ड दिख जाएगा, लास्ट इंडियन विलेज सीमांत ग्राम माणा लास्ट विलेज। और देखिए कैसे हुक्का वुक्का पूरा लगाकर, क्या बताएं अभी। तो ये अपना पैंडा आके पहुंच गया लास्ट इंडियन विलेज माणा, बहुत ही खूबसूरत है। देखिए ये मतलब पैंडा के पीछे का बैकग्राउंड देखिए, बैकड्रॉप लैंडस्केप अजीब ही है, खतरनाक है यहाँ पे लैंडस्केप। ये जो पूरा एरिया है 6 महीना सर्दियों के टाइम बंद रहता है। जोशीमठ से थोड़ा सा ही आगे ITVP वाले चेक पोस्ट लगा देते हैं, क्योंकि विंटर्स के टाइम यहाँ पे लोकल लोगों से मैं पूछा 30-30, 40-40 फीट तक की बर्फ गिर जाती है। और वैसे भी दिवाली के बाद जितने भी चारधाम है उनका कपाट बंद रहता है, जो कि खुलता है वापस अक्षय तृतीया के बाद। अभी हम लोग थोड़ा आगे बढ़ेंगे क्योंकि वहाँ पे एक माणा विलेज है, और सुनने को आया कि वहाँ पर एक गणेश टेम्पल भी है। तो देखते हैं, अगर मन किया देखेंगे, नहीं तो वो बस लास्ट विलेज को दूर से ही देख कर आगे बढ़ेंगे। आप लोग माणा विलेज आ रहे हो ना, तो आराम से पीछे ही देख के कहीं पे गाड़ी लगा दो, क्योंकि यहाँ मेरे पीछे भी देख पा रहे हो भयंकर ट्रैफिक है। ये देखिए गाड़ी रखने के लिए जगह ही नहीं है, मुझे एक अच्छा सा खोपचा दिखा, मैं वहां पर ही गाड़ी छोड़ दिया। और क्योंकि बारिश हो रहा है तो करीब 4 साल बाद आज जाके मेरा रेनकोट खुला, क्योंकि आगे मुझे केदारनाथ यात्रा पे जाना है और तबीयत नहीं खराब कर सकता। 4 साल बाद रेनकोट क्यों खुला, लास्ट टाइम जब DSG जाता था ना बाइक से बैंगलोर में, तब मैं रेनकोट यूज किया करता था, उसके बाद तो कार लेके जाता था, नहीं तो कैब से, तो रेनकोट की जरूरत आज जाके पड़ी। बाइक वालों के लिए सही है, इतना चलना नहीं पड़ेगा। और माणा विलेज एंटर करते ही यहाँ पे आपको एक मिल जाएगा कैफे, ये आप देख पा रहे होंगे सारे बाइक वाले अंदर आ गए हैं। देखते हैं विलेज कैसा है। भारत के अंतिम गांव माणा में आपका स्वागत है। तो यहाँ से चालू हो जाता है माणा विलेज। ये तरह तरह के ऐसे वुलन गर्म कपड़े वाले दुकान दोनों साइड में मिल जाएंगे, अरे तरह तरह के ने बहुत सारे है यार, काफ़ी सारे, आगे भी बहुत सारे हैं। और ये नीचे की तरफ जो सीढ़ियाँ जा रही है ना, वो सब इंडिविजुअल घरों को जा रही है। मुझे तो यहाँ पर घरों से ज्यादा शॉप्स दिखाई दे रही है। वो मेन वाला रास्ते में अगर आप चलोगे जहाँ से मैं अभी आ रहा था, वहाँ तो खाली दुकानें ही दुकान है। अगर आपको गांव फर्दर एक्सप्लोर करना है तो यहाँ पे देखिए पांडवों का बनाया गया है फोटो। और जैसा कि मैं बद्रीनाथ जी में बोल रहा था कि पंचू पांडव यहाँ से ही स्वर्गारोहिणी यात्रा पर निकले थे, और आखिर में स्वर्गारोहिणी यात्रा सक्सेसफुली कम्प्लीट किए थे धर्मराज युधिष्ठिर एक कुत्ते के साथ। बाकी पांडव भाइयों का और द्रौपदी जी का देहांत रास्ते में ही हो गया था, हालांकि वो कम्प्लीटली डिफरेंट स्टोरी है, कभी अलग से एक ब्लॉग बनाकर मैं उसको एक्सप्लेन करूंगा। ये सामने का चट्टान देखिए, ऐसा किंग कॉन्ग गोरजिला जैसा सीन दिखाई दे रहा है। तो ये है माणा विलेज में स्थित इकलौता मंदिर, और इसका भी जो ढांचा है ना वो वही केदारनाथ मंदिर की तरह है। यहाँ पे जितना भी मंदिर मिलेगा उत्तराखंड में सबका ढांचा ऐसा ही सिमिलर स्ट्रक्चर ऐसा ही देखने को मिलेगा, क्योंकि ये सारा मंदिर आदिगुरु शंकराचार्य जी के द्वारा निर्मित किया गया है। तो ये मंदिर क्षत्रपाल श्री घंटाकरण जी का मंदिर है, क्षत्रपाल जी का मूर्ति का यहाँ पर पूजा की जाती है।
तो ये इकलौता मंदिर है छत्रपाल जी का माणा विलेज में। मैं बादल की वजह से ये बैकग्राउंड ढंग से दिखाई नहीं दे रहा है, नहीं तो अगर मौसम साफ रहता ना मैं बोल सकता हूँ लैंडस्केप कमाल का दिखता। ये बस नॉर्मल हमारे आपके जैसे गांव की ही तरह है, प्यारी प्यारी छोटी छोटी सी गलियां हैं, छोटे छोटे घर है, लोग भी काफी अच्छे। मैं बहुत लोगों के साथ यहाँ पे इंटरेक्ट किया, वो बोल रहे थे विंटर के टाइम में ना इतना मतलब वो ऊपर तक बर्फ गिर जाती है और लोग पूरा खाली करके आसपास के गांव में शिफ्ट हो जाते हैं। यहाँ पर रहने वाले मूल निवासियों के एक्चुअली दो गांव होते हैं, एक तो माणा गर्मियों में, फिर विंटर्स में आसपास के जैसे हो गया चमोली हो गया जोशीमठ हो गया, वहाँ सब शिफ्ट हो जाते हैं। ये देखिए घर का सब मरम्मत चल रहा है। लास्ट टाइम आपको जो दिखाया था हिमाचल में टिपिकल हिमाचली हाउस, ये सब है उत्तराखंड के माणा विलेज में घर। तो मैं किसी से पूछ रहा था कि चोरी वोरी वगैरह नहीं होता है जब सब कुछ घर छोड़ के चले जाते हैं विंटर्स में, वो फिर बोले चोरी इंसान तो छोड़ दो जानवर तक नहीं आते यहाँ पे, कौन आएगा चोरी का, वो वैसे भी सब खाली कर देते हैं पूरा घर। बहुत अच्छा लगा माणा विलेज के अंदर घूमकर। ये देखिए ऐसे घरों में एक दिन रहना चाहिए, अच्छा एक्सपीरियंस मिलेगा। वो वहाँ पे देख रहे हैं वो काफी बड़े बड़े स्लेट से पत्थर, वो पत्थर के सिंगल पीस है और उससे रूफ बनाया गया है और यहाँ पे बाउंड्रीज देखिए कुछ इस तरह से है। हालांकि ले चल स्पीति सीरीज खत्म हो गया है लेकिन ये स्टिकर मुझे बहुत ही अच्छा लगता है इसलिए मैं इसको हटाया नहीं अभी तक। और ये देखिए माणा विलेज के पार्किंग से, भाई इतना खूबसूरत वाला पार्किंग कहीं देखे हो? पार्किंग से ये पहाड़ों का नजारा और नीचे बहती हुई अलकनंदा मैया, बहुत बहुत खूबसूरत है यार, बहुत खूबसूरत, जितना भी तारीफ करो उतना कम है। तो चलिए माणा गांव हम कंप्लीट कर लिए, इसके बाद आगे बढ़ते हैं अपने यात्रा में। अगर आप लोगों को ये वीडियो अच्छा लगा देन डू गिव अ थम्स अप। अगर आपके कोई दोस्त या फैमिली मेंबर इस जगह पे आ रहे हैं घूमने के लिए देन अपना ये वाला वीडियो फॉर रेफरेंस उनके साथ शेयर कीजिए और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कीजिए। मिलते हैं हम आगे की यात्रा पर। Until then, stay fit, stay safe, and don't forget to keep India clean. Bye-bye.